अस्सलाम असलम टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद ये प्रोग्राम टीवी वी पर हकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है इसके लेसन पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं जिसमें एजुकेशन कॉन्टेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक डॉट पी के पर के जी से बारहवीं जमात तक वीडियोज़ और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं आज हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स, अल्काइल रेडिकल एंड होमोलोगस सीरीज के बारे में ये फेडरल पंजाब और के पी के की क्लास टेन के चैप्टर इलेवन का टॉपिक है सिंध के चैप्टर सेवनटीन का टॉपिक है और बलूचिस्तान के चैप्टर सेवन का ये टॉपिक है इस वीडियो में हम डिफाइन करेंगे अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स को और अंडरस्टैंड करेंगे होमोलोगस सीरीज को आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक डॉट पी के की वेबसाइट पर जा सकते हैं यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की नवी से बारहवीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं इनके जरिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तहान में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं जी आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी एल्केन एंड अल्काइल रेडिकल इस हवाले से हम बात करेंगे कि कैसे जो एक एल्केन हमारे पास होती है वो अल्काइल रेडिकल के अंदर कैसे कन्वर्ट हो जाती है और इनका आपस में रिलेशन क्या है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम आप देख रहे हैं कि कुछ अल्केन हमने मैंशन किए ठीक है जी नंबर वन पे अगर आप देखें तो सी है एक कार्बन है ठीक है जी नंबर टू पे दो कार्बन है नंबर थ्री पे तीन कार्बन वाला एल्केन है और नंबर फोर पे चार कार्बन वाला एल्केन हमारे पास मौजूद है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बाड हो तो उसको हम क्या कहते हैं ये हमारे पास क्या जी एल्केन है अब इनका इन्हीं एल्केन का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे देखा है ये देखें अगर आप तो हमारे पास सी एच फोर यू अरेन्ज होता है यानी इस तरह से कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा अब कार्बन के आउटर मोस्ट के अंदर चार इलेक्ट्रॉन होते हैं चार मजीद इसको चाहिए होते हैं लिहाजा चार ऑक्सीजन के सॉरी हाइड्रोजन के साथ ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन यानी शेयर करेगा को वैलेंट बाड बनाएगा यानी चार बाड बनाएगा तो ये इसकी आउटर मोस्ट यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है ठीक है जी अब इनकी नेमिंग देते थे तो सबके अंदर सेम ये केस है कि के हर एक कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो यानी चार बाड होने चाहिए ये स्ट्रक्चर फार्मूला हमें बताते हैं अब यानी इनके अगर नाम हम लिखना शुरू कर दें तो ये क्या है जी एक कार्बन वाला जो कंपाउंड हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं मिथ कहते हैं ठीक है जी एम आई टी एच और हमने कहा था कि कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बाड हो कार्बन कार्बन के दरम्यान चूंकि यहाँ पे कार्बन एक ही है और सिंगल बाड हाइड्रोजन के साथ लिहाजा एन इ लगा देंगे मीथेन ठीक है जी इसी तरह से सेम के शेयर यहां पे करेंगे, टू पे करेंगे नंबर दो कार्बन है ठीक है जी आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे लिहाजा टू कार्बन को क्या कहते हैं इथ और ए -एन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इथ हो जाएगा इसी तरह से ये तीन कार्बन है तीन को हम क्या कहते हैं जी प्रोप ठीक है जी ये और सारे सिंगल बना बाबन कार्बन कार्बन के दरम्यान सिंगल कार्बन कार्बन के दरम्यान सिंगल तो ए एन ई लगा देंगे क्या बन गया जी प्रोपेन बन गया इसी तरह से ये कितने कार्बन है जी वन टू थ्री फोर चार हैं ठीक है जी तो ये कितने हो गए ब्यूट ठीक है जी चार को कहते हैं और एन ई लगा देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा तो यानी ये सूरत हाल हमारे पास बन गई ये तो हमने नाम दे दिया किस को जी एल्केन को अब इन्हीं से फॉर्मेशन होती है एल्काइल रेडिकल्स की वो कैसे होती है जी बड़ा ही सिंपल मेथड है कि एक एक हाइड्रोजन अगर इनके अंदर से आप निकाल देंगे ठीक है जी लेट सपोज ये वाला हाइड्रोजन है तो इसको हम यहां से क्या कर देते हैं जी रिमूव कर देते हैं निकाल देते हैं तो हमारे पास पीछे जो चीज बच जाएगी वो हमारे पास क्या बच जाएगा जी अल्काइल रेडिकल बचेगा ठीक है जी इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्या बच गया हमारे पास सी एच थ्री ठीक है जी सी एच थ्री अब ये जो चीज हमारे पास बन गई है सी एच थ्री इसके अंदर डेफिशिएंसी है एक किसकी जी इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन की या फिर हम कह सकते हैं जी कि एक पूरे बॉन्ड की डेफिशिएंसी है ठीक है जी तो ये जो हमारे पास सी एच थ्री मौजूद है यानी तीन ही बॉन्ड बना रहे है ये आ, जो कार्बन है हमारे पास सॉरी और एक ये ऊपर इसके रेडिकल मौजूद है यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको मजीद चाहिए ताकि आउटर मोस्ट क्या करे जी कंप्लीट करे तो यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड जो है इसको रिक्वायर है यानी एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए तो ये अपना सी एच फोर पूरा कर जाएगा तो ये मिथेन था हमारे पास लिहाजा ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया मिथी लिखेंगे और चूंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया तो वाई एल हो जाएगा मिथाइल रेडिकल और इसको इस फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे सी एच थ्री ऊपर हम डालेंगे इसको डॉट डालेंगे यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है यानी ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू मीथेन के ठीक है मिथाइल रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होगा मीथेन के मुकाबले में इसी तरह नंबर टू पे है, इथेन है ठीक है जी सेम केस इसके साथ भी करेंगे जी क्या काम करेंगे एक हाइड्रोजन को हम यहां से क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं ठीक है जी यानी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां यहाँ से आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास आ, इसको हम थोड़ा ब्लैक कलर से शो करते हैं ठीक है जी C2 कार्बन तो टू ही है और हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो जाएगी फाइव हो जाएगी और इसके ऊपर भी हम ये एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे ठीक है जी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो शेयर था हाइड्रोजन और आ, कार्बन के दरमियान वो फिर कार्बन के पास चला गया ठीक है जी तो ये हमारे तो पास क्या बन जाएगी ठीक है तो हमारे तो इथाइल रेडिकल बन जाएगा ठीक हो गया जी तो ये इथाइल रेडिकल हो गया ये मिथाइल रेडिकल हो गया सेम केस के साथ भी करेंगे प्रोपेन है ठीक है जी इसका भी एक हाइड्रोजन क्या करेंगे यहां से रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कितने हैं जी तीन कार्बन है और आ, आठ के बजाय हमारे पास कितने बच जाएंगे चार बच जाएंगे सॉरी आठ के बजाय सात बचेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया सी थ्री एच हमारे पास कितना हो गया जी सेवन हो गया ठीक हो गया जी और इसके ऊपर भी ये डॉट हम लगा देंगे ये शो करता है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू तो ये क्या हो गया प्रोप लिखेंगे जी तीन को और वाइल लगा देंगे तो ये प्रोपाइल रेडिकल हो गया इसी तरह से ब्यूटेन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी सेम केस होगा कि एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे हम यहां से और एक इलेक्ट्रॉन जो इनके दरमियान शेयर है वो कार्बन के पास चला जाएगा एक अपना हाइड्रोजन अपना लेके निकल जाएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा C तो फोर ही रहेगा लेकिन हाइड्रोजन की तादाद टेन के बजाय क्या हो गई नौ हो गई और इसके ऊपर कौन सा डाट आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया अब ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये बन क्या गया हमारे पास ब्यूट कहते हैं चार को और वायर लगा देंगे तो ब्यूटाइल बन जाएगा ये मिथाइल इथाइल प्रोपाइल और ब्यूटाइल ये सारे के सारे क्या हमारे पास रेडिकल्स हैं ठीक है जी और ये रेडिकल्स जो होते हैं ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अपने एल्केन के उसके रीजन क्या है रीजन ये है कि इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसको ये क्या करते करना चाह रहे हैं शेयर करना चाह रहे हैं किसी के साथ यानी किसी के साथ बाना बनाएंगे जबकि इनके पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है इन सब के पास लिहाजा ये लेस रिएक्टिव है ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये यूं जो है एल्केन से फॉर्मेशन होती है अल्काइल रेडिकल की और अल्काइल रेडिकल जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन के एच फोर सी एच हमारे पास टू वन या टू और दो इसमें ऐड की है तो हमारे पास क्या बन गया फोर बन गया ये फोर हमारे क्या हमारे पास क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी मीथेन है यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं मीथेन एक को मिथ कहते हैं एक कार्बन को और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर या कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बाउंड पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं जी हमारे पास वो क्या है जी एल्केन होता है तो ये बेसिक हमारे पास क्या है जी एल्केन है अब इसी के अंदर से एक हाइड्रोजन को हमने क्या करना है जी रिमूव करना है इस फॉर्मूले के तहत तह एक हाइड्रोजन रिमूव होगा देखे जी हमारे पास कार्बन वन ठीक है जी और इसी तरह हाइड्रोजन टू इन टू एन एन हमारे पास वैल्यू क्या है वन है और इसी तरह प्लस टू की जगह यहां पे हम क्या लिख देंगे प्लस वन लिख देंगे तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है सी एच थ्री तो यानी हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया उसके नतीजे में ये जो चीज हमारे पास बन गई ये क्या है जी अल्काइल रेडिकल है इसको अगर हम नाम दे दें हमारे पास क्या बन जाता है एक कार्बन को हम क्या कहते हैं मिथ कहते हैं ठीक है जी और वाई एल इसके साथ अटैच कर देंगे अगर हम ठीक है जी तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा मिथाइल रेडिकल हमारे पास बन गया तो ये जो हमारे पास मिथाइल रेडिकल का बनना है ठीक है जी ये किस वजह से हुआ हाइड्रोजन एटम को हमने रिमूव किया एक एल्किन के एल्केन के अंदर से जिसके नतीजे में हमारे पास क्या है जी आ, जो का रेडिकल है उसकी फॉर्मेशन हो गई एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं यानी सिंपल आप इसको य, ये कर सकते हैं यहाँ पे आप वैल्यूज लिख लें यानी प्रोपेन है ठीक है जी प्रोपेन के अंदर आपके पास क्या होता है कार्बन थ्री होते हैं या, या इ, इथेन आप कर लेथेन के अंदर कार्बन टू होते हैं ठीक है जी और हाइड्रोजन की तादाद यहां पे चार है उसमें छ हो जाएगी और इसमें कितनी हो जाएगी एट हो जाएगी सी थ्री एच एट हमारे पास क्या है जी प्रोपेन है ठीक है जी इसी प्रोपेन के अंदर से हम क्या काम करेंगे एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे ठीक है जी एक हाइड्रोजन जब निकलेगी तो इसके नतीजे में हमारे पास कार्बन तो वही बचेगा और हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाएगी सेवन हो जाएगी अब जब हाइड्रोजन की तादाद इसमें सेवन हो गई तो ये हमारे पास प्रोपेन नहीं रहा बल्कि किसके अंदर कन्वर्ट हो गया ये प्रोपाइल के अंदर कन्वर्ट हो पी आर ओ पी वाई एल ये प्रोपाइल रेडिकल बन गया ठीक है जी इसी तरह से आप चलते जाएंगे नीचे ठीक है जी आप ब्यूटेन के पास चले जाएं नंबर फोर के ऊपर इसमें कार्बन की तादाद क्या होती है फोर होती है हाइड्रोजन की तादाद कितनी होती है जी टेन होती है ठीक है जी तो ये आपके पास होता है ब्यूटेन यहां पे हम लिख देते हैं बी यू टी ए एन ई ब्यूटेन आपके पास होता है लेकिन इसके अंदर से जब आप एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे रिमूव करेंगे तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सी तो फोर ही रहेगा लेकिन हाइड्रोजन की तादाद क्या हो जाती है नाइन हो जाती है तो ये अब ब्यूटेन नहीं रहा बल्कि किसके अंदर कन्वर्ट हो गया ब्यूटाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया तो ये जो फार्मूला है बेसिक ये जनरल फार्मूला है किसका जी हमारे पास अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन का जितने आप कार्बन लेंगे उसके अंदर हाइड्रोजन यानी टू एंड वैल्यू प्लस वन करेंगे एज कंपेयर टू प्लस टू की जगह तो यू जो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल होती है यानी यहां पे हमने ब्यूटाइल के स्पेलिंग गलत लिखे बी यू टी वाई ए एल है ठीक है जी यहां पे इसको हम क्या करेंगे दुरुस्त कर देते हैं ठीक है जी इसको अगेन हम लिख लेते हैं यहां से ठीक है जी ब्यूटाइल हमारे पास क्या है जी ब्यूटाइल रेडिकल ठीक है जी बी यू टी वाई एल ठीक है जी बी यू टी वाई तो यहां पे एल आएगा ठीक है जी ये हमारे पास क्या बन गया जी ब्यूटाइल रेडिकल तो ये सारे जो हमारे पास बन गए हैं ठीक है जी एक एक जो हाइड्रोजन है वो हम क्या करते जाते हैं जी रिमूव कर रहे हैं किससे जी एल्केन से रिमूव करते हुए हम क्या फॉर्म कर रहे हैं जी अल्काय रेडिकल की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये बेसिक हमारे पास कंसेप्ट है कि अल्काय रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है जो कि हमने बताया कि हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे एल्केन से तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल रेडिकल के अंदर और याद रखेंगे हमेशा एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उसके नतीजे में अल्काइल रेडिकल की क्या होगी जी फॉर्मेशन होगी कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं उनको ये कहते हैं कि उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन अगर मौजूद हैं या कार्बन और हाइड्रोजन क्या बना रहे हैं जी आपस में कोवेलेंट बांड बना रहे हैं तो उनको हम क्या क्या कहते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये एक प्रॉपर्टी है क्या प्रॉपर्टी है जी होमोलोगस सीरीज के वो होमोलोगस सीरीज बनाती यानी एक जैसी सीरीज बनाती और जो यानी हमारे पास जो यहाँ पे हमने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ठीक है जी एक सीक्वेंस से उनके मालिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज करता है और हर एक जो एलिमेंट है या हर एक जो मालिक्यूल है वो दूसरे मालिक्यूल से एक खास रेंज के मुताबिक जो है वो क्या होगा उसके दरमियान डिफरेंस पाया जाता है ठीक है जी यहाँ पे हमने एल्केन की उम्रों की लिखी है यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है एक कार्बन होगा तो उसको क्या कहते हैं मीथेन कहते हैं दो कार्बन होगा उसको इथेन कहते हैं तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं चार को ब्यूटेन कहते हैं पांच को पेंटेन कहते हैं छह अगर कार्बन होंगे तो हेक्जेन कहेंगे और सात कार्बन हो तो उनको क्या कहेंगे जी हेप्टेन कहेंगे इसी तरह आठ कार्बन हो तो उनको क्या कहेंगे? ऑक्टेन और नौ हो तो नोनेन और दस हो तो डेकेन कहेंगे ठीक है जी ये हमारे पास कार्बन है अब यानी इसके अंदर हम बेसिक जो चीज जानना चाहेंगे वो ये जान, जानना चाहते हैं कि ये सबसे पहली जो हमारे पास है सी एच फोर जिसको हम मीथेन कह रहे हैं अब दूसरी हम लेते हैं वो है सी टू एच सिक्स तो इनके अंदर हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिफरेंस पाया जाता है जब इसका डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये डिफरेंस पाया जाता है इनके अंदर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का ठीक है जी यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं नंबर वन जो है वो नंबर टू से कितनी डिफरेंट है सिर्फ सी एच टू का डिफरेंसिस के अंदर पाया जाता है इस तरह की ये जो सी एच टू की डिफरेंसेस की वजह से जो एक सीरीज बनती जा रही है लंबी इसको क्या कहते हैं जी उमर सीरीज कहते हैं यहां पे आप देखें हमारे पास हम यहां पे कोई ब्लैक कलर यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है जी यहां पे हमारे पास सी एच फोर है ठीक है जी यानी कार्बन एक है और हाइड्रोजन की तादाद क्या है जी हमारे पास चार है ठीक है जी दूसरे के अंदर हमारे पास कार्बन की तादाद दो हो गई और हाइड्रोजन की तादाद क्या हो गई सिक्स हो गई यानी चार के छह में से दो माइन चार माइनस किए तो दो आपके पास क्या आ जाएंगे दो आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे और एक आपके पास कार्बन आ जाएगा यानी कार्बन इसमें से माइनस करेंगे तो यानी ये जो डिफरेंस आया इन दो के दरमियान वो कितना आया जी टोटल हमारे पास सी एच टू का डिफरेंस आया ठीक हो गया जी इसी तरह नीचे आप चले सी थ्री एच एट के अंदर भी एट में से छह को निकालेंगे आप दो आ जाएगा हाइड्रोजन और कार्बन तीन में से दो को निकालेंगे एक कार्बन यानी ये जो सारी यहाँ पे सीरीज हमने दी है चाहे वो सी है या सी है सी फोर है इनमें से यानी ये कंजेक्टिव एक सीरीज बनती जा रही है जो के जो अगला मेंबर है उसी फैमिली का जो अगला मेंबर है उसके अंदर डिफरेंस क्या पाया जाता है सी एच टू का डिफरेंस पाया जाता है ये चीज आप यानी वन से लेकर जिसको मीथेन से लेकर डेकेन तक हम ये इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हर अगला मेंबर जो है वो अब उससे पिछले मेंबर से उसके अंदर कितना डिफरेंस पाया जाता है सी एच टू का डिफरेंस पाया जाता है इसी चीज को यहां पे हम ये कर लेते हैं डेकेन और नोने का हम कर लेते हैं हमारे पास कार्बन कितने हैं जी नौ ठीक है जी और हाइड्रोजन की तादाद क्या ट्वेंटी है और यहां पे टेन और ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में से हाइड्रोजन ट्वेंटी को माइनस किया तो दो आपके पास हाइड्रोजन आ जाएंगे और टेन आपके पास क्या आ गया जी कार्बन है, कार्बन में से एक कार्बन नौ को आप माइनस करेंगे तो एक कार्बन आ जाएगा टेन में से नौ को माइनस करेंगे तो, तो यानी इससे ये पता चला कि ये जो फैमिली है ये सारी की सारी एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती है सी एच टू के डिफरेंस की वजह से इनके अंदर फर्क आ जाता है अब इनकी क्या प्रॉपर्टीज है इन सब की अगर हम बात करें तो इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी ठीक है जी यहां पे इसको हम मेंशन कर देते हैं ठीक है जी केमिकल जो हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है जी पी आर ओ पीई आर टी आई ई एस जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी किसकी जी उमल सीरीज की वो क्या होंगी सेम होंगी या सिमिलर होंगी यानी एक जैसी प्रॉपर्टी ये क्या करेंगी शो करेंगी यानी जो केमिकल रिएक्शन कितने बांड बनाएगा वो सारा का सारा क्या होगा यानी बिल्कुल सेम ही होगा यानी एल्केन के अगर हम बात करें एल्केन की बात करें तो इसके अंदर एल्केन के अंदर क्या पाया जाता है सबके अंदर सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बाड पाया जाता है ठीक है जी इसी तरह अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ठीक है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ठीक है जी खाली फिजिकल हमने लिखा है ठीक है प्रॉपर्टीज हम नहीं लिखेंगे फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हमारे बल्कि हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज ताकि आप कंफ्यूज कन्फ्यूज हो प्रॉपर्टीज ठीक है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या होंगी डिफरेंट होंगी ठीक हो गया जी अब ये कैसे हुआ कि एक चीज हमारे पास सिमिलर है और दूसरी चीज हमारे पास क्या हो गई डिफरेंट हो गई उसकी रीजन हम आपको बताते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास बेसिक होती क्या है डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी ठीक है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि इसका जो साइज होगा अब सी टू आई सिक्स का साइज बढ़ गया अब मेल्टिंग पॉइंट जाहिर है उस पर भी फर्क पड़ेगा जैसे हमने कहा था कि जो लार्ज मालिक्यूल होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के उनका लार्ज साइज होगा और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा इसी तरह यानी ये साइज इनका क्या होता जा रहा है यहां पे आप देख रहे हैं पहले का साइज छोटा है दूसरे का बड़ा है तीसरे का उससे बड़ा है ठीक है जी इसी तरह करते करते जो दसवां हमारे पास है उसका साइज सबसे बड़ा है तो इसको मतलब बॉयल करने के लिए या इसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चाहिए टेम्परेचर चाहिए तो मुल सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसके अंदर हर जो मेंबर है दूसरे मेंबर से क्या होता है जी सी एच टू के डिफरेंट से मुख्तलिफ होता है और इन सब के अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी लेकिन इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होंगी इसी स, इसी को क्या कहते हैं जी इसी को कहते हैं जी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड